हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होता है और क्यों होता है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होता है, इसको हम बच्चेदानी में गठान भी बोलते हैं। बच्चेदानी में अक्सर गठान हो जाया करती है, उसी को ही यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं। यह क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है, जो यूटरस होता है, उस पर गठाने बन जाती है। छोटी गठाने भी होती है और बड़ी गठाने भी होती है, जो कि फाइबरस टिश्यूज़ की बनती है। जो फाइबर्स होते हैं, जैसे मसल्स, जो यूटरस है वो मसल्स से बना हुआ है और उन मसल्स पर ही फाइबर्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और एक गठान का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फाइब्रॉइड बना लेते हैं, गठान बना लेते हैं। इसी को ही हम यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं। इसके कारणों की बात करें तो दोस्तों, इसका कारण जो है आज तक अननाउन है, मेन कारण जो है इसका पता नहीं है। फिर भी कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही हो, उनको यूटेराइन फाइब्रॉइड रही हो, आपकी माता जी को, आपकी नानी जी को, या फिर किसी को भी अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री रही हो तो आपको हो सकता है। जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, जो लाल मांस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी यूटेराइन फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत वेट है उनका, उनमें भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन पाई जाती है। नॉर्मली अगर आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम रहती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं कि यूटरस को रिमूव करना पड़ेगा, हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगी। अगर यूटरस रिमूव हो जाएगा तो बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आपके शरीर में आएंगे, हार्मोनल गड़बड़ी आपके शरीर में होने लगेगी, जिसके कारण आपका वेट बढ़ने लगेगा, क्योंकि मेंसेस पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, जिसके कारण आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, जो यूटेराइन फाइब्रॉइड रहता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आ जाता है और स्यूडो प्रेगनेंसी टाइप का हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा, कई बार बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जिस भी फीमेल को यह बना है वह प्रेग्नेंट भी हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ जाता है और मेंसेस भी बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन जब जांच करवाते हैं, सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखवाते हैं, तब पता चलता है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड बन गया है। जनरली इसका है ना, पता नहीं चलता है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड बन गया है, मेंसेस के दौरान ही दर्द होता है और ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है, बाकी ऐसे पेन नहीं करता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में जो कि यूटेराइन फाइब्रॉइड के केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है वह वहीं पर ही ठीक हो जाए, आपको यूटरस निकलवाना ना पड़े, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टीचर लेना है, जो कि यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है, लॉन्ग टाइम यूज़ करना है, 6 महीने, 1 साल या इससे ज़्यादा भी, जिनको बड़े साइज है इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और फ़ायदा ही करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है दोस्तों, कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर क्या है, कई बार फाइब्रॉइड बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, तो कैल्केरिया फ्लोर का इस्तेमाल वहाँ पर करना चाहिए। अगर कोई ओवरग्रोथ होती है तो वहाँ पर कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करती है। 6x फॉर्म में लेना है, टैबलेट फॉर्म में आता है, 4 से 6 गोलियाँ दिन में 3 बार चूसना है। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों, थूजा। थूजा बॉडी में कहीं पर भी ओवरग्रोथ अगर होती है, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ओवरग्रोथ हो जाती है, कोई भी गठान बन जाती है, तो थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह ले लीजिए, 2 बूंद शाम को ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी मेडिसिन है दोस्तों, WL48। यह वीजल कंपनी का आता है, WL48 नंबर का ड्रॉप है, यूटेराइन फाइब्रॉइड के नाम से आता है, फाइब्रॉइड यूटरस के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, 48 नंबर का ड्रॉप है वीजल कंपनी का। इसको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन इसमें मिली हुई है, पैटेंट मेडिसिन है,
आपका जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है धीरे धीरे घुलने लगा है, साथ ही साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि पेनफुल मेंसेस होना, ऐसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वह अभी ठीक होने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर